हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आलू से मैंने छोटे छोटे आलू लिए हैं। इस तरह से आलू हमें छोटा ही लेना है, बड़ा आलू नहीं लेना है। आलू को मैंने छील लिया है इस तरह से। तो चलते इसको हम वापस पानी में धो लेते हैं। ये सब्ज़ी फ्रेंड्स आपने शायद कभी बनाया होगा, इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। यहाँ पर मैंने लिया एक टिश्यू पेपर। इसको आलू को जो पानी जो आलू में नहीं रहना चाहिए, आलू का पानी बिल्कुल सुखाना है। ठीक है, आलू का पानी मैंने साफ़ कर लिया टिश्यू पेपर से और मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं रिफाइंड, चाहे आप ऑयल सरसों का तेल भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ रिफाइंड डाला है, इसमें मैं सारे आलू डाल दूँगी। आलू को अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन होने तक। ये सब्ज़ी फ्रेंड एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आप एकदम इसकी स्वाद सालों साल नहीं भूल पाओगे और बार बार बनाना पसंद करोगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आलू मेरी फ्राई हो गई है, मैंने 10 मिनट के लिए फ्राई किया। तो वापस मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह से देखिए सारे मैंने निकाल लिए हैं, इसकी एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम। तो आलू बिल्कुल फ्राई हो गए। देखिए मैंने बस तड़के में क्या लिया, मैंने प्याज और एक टमाटर, दो तीन हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा लहसुन अदरक। बस इसको हमने पेस्ट बनाना है ग्राइंड। देखिए मैंने पीस लिया है इस तरह से। ये सब्ज़ी फ्रेंड बहुत टेस्टी बनेगी। और देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 4-5 जीरा और लौंग और दालचीनी और साबुत धनिया लिया है। इस तरह से मसाले आप ले सकते हो। इस तरह से मैंने सारे मसाले जो खड़े लिए हैं वो मैं डाल दूँगी तेल में। यहाँ पर सारे मसाला अच्छे से एकदम हो जाना चाहिए फ्राई, इस तरह से और अच्छी खुशबू आएगी। इस तरह से अगर फ्राई होगी मसाले, साबुत मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलो इसमें मैं डाल रही हूँ जो मैंने पेस्ट बना रखे थे सारे टमाटर प्याज वगैरह का, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छे से फ्राई होना है, बिल्कुल कम गैस पे इसको फ्राई करना है, स्लो कर लें गैस को। इस तरह से फ्राई करेंगे तो देखिए इसका मसाला का एकदम से मैं देखिए मैं मसाले में क्या ले रही हूँ। मसाले में धनिया पाउडर लिया हूँ 1/2 चम्मच करीब, और मैं यहाँ डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च मेरा तीखा नहीं है, आप चाहे तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच करीब। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ किचन किंग MDH का। देखिए इसका सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें मैं 1/2 चम्मच से ये भी करीब ले लिया हूँ। और ये लिया मैंने गरम मसाले, आप गरम मसाला बाद में भी डाल सकते हैं ऊपर से, मैं पहले ही डाल देती हूँ। यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक लेना है। तो ये सारा मसाला मेरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्राई भी हो गई है। इसमें मैं जो सारे जो मसाले मैंने लिए हैं पाउडर, इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दें कि मसाला जले ना, सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस तरह से मसाले में थोड़ा डाल के पानी इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये सब्ज़ी लाजवाब लाजवाब। यहाँ पे मैंने लिया है एकदम दही, दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही बिल्कुल फ्रेश घर के होने चाहिए ताज़े, तो इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने इसको ले लिया, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे करीब, इसका लम्स ना रहे दही में। इसको मैंने फेंट लिया है। देखिए मैं अब इसमें वापस से दही डालूँगी मसाले में। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, दही बिल्कुल फटे ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते जाइएगा। मिक्स करके हम इसको और पकाएंगे अच्छे से, सारे मसाले दही वगैरह अच्छे से पकना चाहिए। देखिए मैं आलू जो है, आलू में मैं एक तिल्ली लिया हूँ माचिस की, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैं सारे आलू में छेद कर दूंगी सुराग। इससे क्या हुआ कि जितने भी ग्रेवी है तरी है वो आलू के अंदर चले जाएंगे। देखिए कितना खुशबू आ रही है मसाले से इस में, बहुत टेस्टी बनेगी सब्ज़ी फ्रेंड्स। एक बार ट्राई आप ज़रूर कहना, नहीं तो आप नहीं करोगे तो आप पछताओगे क्यों नहीं क्या ट्राई। तो एक बार ज़रूर करें। तो मैंने सारे आलू इसमें डाल दिए हैं। तो अब मैं गैस को कर रही हूँ स्लो। तो देखिए इस तरह से सब्ज़ी मेरी बन रही है। इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। देखिए किस तरह कलर इसका देखने में कितना लाजवाब है। तो देखिए अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं और अच्छी रेसिपी लाऊँगी। बाय बाय।